नमस्कार पशुपालक भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है ज्ञान कृषि सेशन। मैं हूं आपका दोस्त विकास। किसान भाइयों, हम अपने पशु का जो दूध बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों हमें जो है बिल्कुल घरेलू चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो है इसकी लागत कम हो और बहुत ही आसानी से हम जो है अपने पशु का दूध बढ़ा सकें। आज मैं आपको पपीते से दोस्तों दूध बढ़ा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पपीते में वो सभी चीज़ होती हैं जो दूध को बढ़ाने के लिए बहुत ही काम आती है। इसलिए दोस्तों आज हम पपीते के उपयोग के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उसका जो है हम उपयोग करके अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। ये जो पपीता होता है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है, हमारे घरों पर भी दोस्तों बहुत ही सामान्य वातावरण में इसे हम उगा सकते हैं, जिससे जो है दोस्तों लागत को हम कम करके अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में। तो इस उपाय में दोस्तों हमें जो है कच्चे पपीते का इस्तेमाल करना है। ये जो कच्चा पपीता होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, फोलिक एसिड होता है, जिसके कारण से ये हमारे जो गाय और भैंस है उसकी दूध को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा मदद करता है। इसलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ जो है लगभग हमको 2 किलो के आसपास जो है कच्चा पपीता लेना है दोस्तों। कच्चे पपीते का दोस्तों बहुत पुराने समय से ही जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने पशुओं के दूध को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। आज मैं वही उपाय आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए जो है इसका इस्तेमाल आप एक बार जरूर करके देखें। और इसमें जो है दोस्तों बीज वगैरह है उसको जो है पूरी तरीके से निकाल देना है, और उसके बाद जो है दोस्तों इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि जो है हमारे पशुओं को इसे खाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और साथ में दोस्तों इसे पकाने में भी हमें आसानी हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इतने छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है। आप चाहे तो इसे और भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। तो अब तैयार है दोस्तों। तो इसके बाद हमें ये करना है दोस्तों, इसे हमें जो है अच्छे तरीके से पकाना है। उसके लिए जो है दोस्तों एक पतीला लेना है और उसमें जो है हमें लगभग 4 लीटर के आसपास पानी लेना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 किलो पपीता लिया है। इसलिए जो है दोस्तों हमको 4 लीटर के आसपास पानी लेना है, ताकि जो हमारा पपीता है वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो चलिए इसे अब हम इसमें डाल देते हैं। दोस्तों इस पपीते को पकाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो इसमें जो पोषक तत्व हैं वो अच्छे तरीके से पानी में घुल जाएं और हमारे जो गाय और भैंस है उन्हें इसे हजम करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और जो पोषक तत्व हैं वो पूरी तरीके से हमारे पशुओं को मिल जाए। इसलिए जो है दोस्तों इसे पकाना बहुत ज़रूरी है, और पकने में जो है दोस्तों इसको समय लग सकता है। जब तक ये पक रहा है दोस्तों, तो इसमें जो है हमें एक और सामग्री डालनी है, वो है दोस्तों मेथी। यहाँ पर जो है दोस्तों लगभग 100 ग्राम के आसपास मेथी का इस्तेमाल करना है। जो मेथी होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, साथ में कैल्शियम होता है दोस्तों, जिससे जो है हमारे पशुओं में कैल्शियम की पूर्ति होती है और उसे जो है दूध बढ़ाने में मदद मिलती है। और इसे जो है दोस्तों हमें अच्छे तरीके से बारीक कूट लेना है, बिल्कुल बारीक पीसना है दोस्तों, जिससे जो है इसे पकाने में हमें आसानी हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल बारीक पीस चुका है। तो चलिए इसे भी जो है हम मिश्रण में डाल देते हैं, और इसे डालने के बाद दोस्तों अच्छे तरीके से मिलाएंगे और इसके बाद जो है इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो सामग्री है वो अच्छे तरीके से पक रही है। और उसके बाद दोस्तों हमें इसमें जो है लगभग 1 पाव के आसपास गुड़ डालना है। गुड़ जो होता है दोस्तों, इसमें जो है तुरंत ऊर्जा देने की खासियत होती है, जिससे हमारे पशुओं को दूध उत्पादन में मदद मिलती है, और साथ में दोस्तों ये जो मिश्रण है उसके स्वाद को भी गुड़ जो है बढ़ाता है। और इसे जो है दोस्तों हमें अच्छे तरीके से कूटना है, और कूट करके जो है दोस्तों इसे भी इस मिश्रण में डाल देना है। और इसे डालने के बाद दोस्तों हमें जो है इसे थोड़ी देर और पकने के लिए रखना है, लगभग 10 से 15 मिनट तक ढक करके जो है हमें पकाना है दोस्तों, जिससे जो है ये जो कच्चे पपीते हैं वो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा जो पपीता है वो अच्छे तरीके से पका है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो पपीता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से पक चुका है। तो चलिए अब हम इसे उतार लेते हैं, और उतारने के बाद दोस्तों इसे जो है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना है, बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा होने देना है दोस्तों। उसके बाद ही इसे जो है हमें अपने पशु को देना है। इसे देने के लिए दोस्तों आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें भी आप दाना चारा पानी वगैरह देते हो उसमें जो है इसे डालकर अपनी गाय और भैंस को दे दें। और इसे देने का तरीका ऐसा है दोस्तों कि इसे जो है हमें अपने पशुओं को दिन में 1 बार ही देनी है, और लगातार 2 से 3 दिनों तक देना है दोस्तों, अगर सर्दी का सीजन है तो, और अगर गर्मी का सीजन है तो 1 दिन के गैप करके दोस्तों लगातार जो है हमें 3 बार देना है, जिससे हमारे पशुओं का दूध निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज के वीडियो में, और ऐसी जानकारी और भी चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आने वाली ऐसी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचा सकें सबसे पहले। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।